हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और एक नया एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है, किसी बंदे ने आपका फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया है एंड हैक करने के बाद आपका नेम चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड यानी कि ए टू जेड सब कुछ चेंज कर दिया, तो कैसे आप अपना फेसबुक हैक हुआ आईडी को रिकवर कर सकते हो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ बात बता के क्लियर करना चाहूंगा। सो गाइस देखो इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब के ऊपर एंड उस वीडियो के नीचे आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिला है एंड उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे 90% बंदों ने यहाँ पे फेसबुक को रिकवर कर लिया एंड 10% बंदों ने कमेंट कर रहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आया है। सो गाइस अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सबसे बात करने जा रहे हो कि कैसे आप अपने फेसबुक आईडी को रिकवर कर सकती हो एंड ए टू जेड फुल प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आप सबसे बात करूंगा, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड गाइस फेसबुक अकाउंट को रिकवर करते टाइम एक प्रॉब्लम हो रहा है अभी के टाइम में, वी डोंट रिकॉग्नाइज योर डिवाइस ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो के अंदर मैं आप सबसे देने जा रही हो। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि गाइस मैं हमेशा ऐसे वीडियो लाते रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सके, तो हमारा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए बिना टाइम का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे आप अपना हैक हुआ फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकती हो, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हैकर ने हैक करने के बाद आपका फेसबुक प्रोफाइल का नेम चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईमेल आईडी, ए टू जेड सब कुछ चेंज कर दिया, तो आप लोग कैसे उस आईडी को ला सकते हो एंड रिकवर कर सकते हो। तो गाइस हैकर ने सब कुछ चेंज करने के बाद आप लोग जब भी जाओगे सर्च करने तो आपका तो नेम नहीं आएगा, तो इसके लिए आप अपना किसी फ्रेंड का मैसेंजर ओपन करना एंड आप जिसके साथ चैट किया था उसका ही मैसेंजर ओपन करना एंड मैसेंजर ओपन करने के बाद आपका प्रोफाइल को जाने के बाद यहाँ पर जो प्रोफाइल का लिंक कॉपी करने का एक ऑप्शन मिलता है आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल का लिंक को कॉपी कर लेना होगा, तो आप अपना प्रोफाइल का लिंक को कॉपी कर लीजिए एंड कॉपी करने के बाद आपके मोबाइल फोन के अंदर ही ऐसा करना होगा एंड लेने के बाद आपके मोबाइल फोन के अंदर ही एक काम करना होगा। अगर आप किसी दूसरे मोबाइल फोन के अंदर करने जाओगे तो यहाँ पे वी डोंट रिकॉग्नाइज योर डिवाइस का एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो आपके मोबाइल फोन में ही करना होगा, आप जो मोबाइल पहले लॉग इन करते थे उसी मोबाइल फोन में ही करना होगा। तो सिंपली आप फेसबुक ओपन कीजिए एंड फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फाइंड योर अकाउंट को क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है एंड नीचे यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालने का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपको सर्च योर ईमेल के ऊपर क्लिक करना होगा एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने प्रोफाइल का जो लिंक आपने कॉपी किया था उस लिंक का एक नंबर रहता है, उस नंबर को यहाँ पे आपको डालना होगा। तो मेरे केस में यहाँ पे नाम था तो मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उसके बाद फाइंड योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपका अकाउंट आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपका नंबर को डालना होगा जो नंबर रहता है प्रोफाइल का, उस प्रोफाइल का नंबर को यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है तो मुझे तो पासवर्ड पता नहीं है, हैकर ने चेंज कर दिया, इसके से यहाँ पे आपको गेट कोड को ऊपर क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे हैकर का मोबाइल नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे एंटर पासवर्ड टू लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड ही नहीं है और मोबाइल नंबर भी नहीं है, तो नीचे आपको और एक ऑप्शन मिलता है नो लॉन्गर टू एक्सेस टू दिस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आता है। अगर किसी दूसरे फोन के अंदर करने जाओगे तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको स्टार्ट कवर क्लिक करना होगा एंड स्टार्ट कवर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक न्यू ईमेल आईडी डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको एक न्यू फ्रेश ईमेल आईडी दे देना होगा। न्यू ईमेल आईडी डालने के बाद उस ईमेल पे एक कोड जाएगा, तो यहाँ पे आपको कोड को भी डालना होगा एंड कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग एंटर योर ओल्ड पासवर्ड, यानी कि हैकर ने हैक करने से पहले आपका जो पासवर्ड था वो पासवर्ड अगर आपको पता है तो उस पासवर्ड को डाल के आप लोग लॉग इन कर सकते हो, आप अपना आईडी को रिकवर कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट इशू यहाँ पे अपलोड करना होगा आईडी कार्ड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे तो पासवर्ड याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक आईडी कार्ड अपलोड करूंगा, तो आईडी कार्ड के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है मैं आप लोगों को देखने की कोशिश करूंगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा यहाँ पे आईडी कार्ड देखने को मिल जाएगा, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे वीजा डेबिट कार्ड भी यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे बहुत तरह का ऑप्शन मिलता है, तो आपके पास जो आईडी कार्ड है उस आईडी कार्ड को यहाँ पे आपको चूज करना होगा एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट कवर क्लिक करना होगा एंड नेक्स्ट कवर क्लिक करने के बाद गाइस उसका आपको एक फोटो क्लिक करना होगा जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो गेट स्टार्टेड कवर आपको क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद आपने जो आईडी कार्ड चूज किया था उस आईडी कार्ड के यहाँ पे आपको एक फोटो क्लिक करना होगा, तो चलिए मैं एक आईडी कार्ड का फोटो क्लिक कर लेता हूँ।
जैसे कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। एंड आईडी कार्ड यहाँ पर सबमिट हो जाने के बाद कुछ इस टाइप का लोडिंग पेज आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको फिनिश कवर क्लिक करना होगा एंड फिनिश कवर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 24 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा। एंड वेट करने के बाद आपने जो न्यू ईमेल आईडी डाला था उस ईमेल आईडी पे एक ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो उस ईमेल आईडी पे इस टाइप का एक लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फेसबुक की तरफ से मैसेज आएगा, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा एंड उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बताएगा एंड आपने जो ईमेल आईडी दिया था वो ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा एंड हैकर का जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर था सब कुछ रिमूव कर देगा। उसके बाद आप लोग अपने आईडी को रिकवर कर लोगे बहुत ही